नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी निम्जे में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आप सभी के चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बैक टू बैक कई सारे बड़े बड़े धमाके हुए हैं जो आप सभी को पसंद भी आ रहे हैं, और कई सारे ऐसे धमाके हैं जो आप लोगों ने बहुत बड़ा ट्रेंड भी बना दिया है। इस कड़ी में सुबह सुबह आप सभी के लिए बड़ी एक्साइटिंग खबर आप सभी के चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ी आई थी, और जानकारी ये थी कि खेसारी लाल यादव के एक गाना का मोशन पोस्टर लॉन्च किया गया था और गाने का नाम है यादव जी के झंडा। जी हाँ, बात करें तो मोस्ट एक्साइटिंग गाना है और इस गाने को लेकर आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सो फाइनली इस गाने का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है वेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार इस गाने को कब रिलीज़ किया जाएगा। तो जो यादव जी के झंडा पार्ट टू है वो वेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा, जिसका मोशन पोस्टर जो है वो आप लोगों के बीच में रिलीज़ किया जा चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज़ में गाया गया है, यानी कि खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का आवाज़ इस गाने में होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि इस गाने में जो अभिनेत्री नज़र आने वाली हैं वो कोमल सिंह नज़र आने वाली हैं, और इस गाने के जो लिरिसिस्ट हैं वो कृष्णा बेदर्दी हैं, और कृष्णा बेदर्दी का कलम का जादू कितना चलता है बखूबी आप जानते होंगे, और म्यूज़िक विनय का है। तो स्टार कास्ट काफ़ी जानदार है, शानदार है, और यादव जी का झंडा गाना आपने सुना ही होगा। तो पार्ट टू को लेकर जिस तरीके से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था वो भी फुलफिल होने वाला है। लकी विश्वकर्मा इस गाने के कोरियोग्राफर और वीडियो डायरेक्टर हैं। और रही बात इस गाने की रिलीजिंग डेट को लेकर, तो जो संभावनाएं जताई जा रही है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो अगर मैं कहूं, तो ये गाना 15 नवंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, आज हो गया 12 तारीख, मोशन पोस्टर रिलीज़ किया गया है, हो सकता है कल जो है इसका पोस्टर आ जाए, और 13, 14 फिर 14 को जो है टीज़र, और फिर 15 को गाना जो है वो रिलीज़ किया जाए। बाकी आप लोग इस गाने को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग अपनी राय इस गाने को लेकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।